नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी फटाफट खबरों पर। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, माता पिता की सेवा नहीं करने वाले जाएंगे जेल। बिहार कैबिनेट की मंगलवार 11 जून को हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए और 17 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। नीतीश सरकार ने शराबबंदी और दहेजबंदी के बाद सामाजिक कुरूति दूर करने के लिए एक और बड़ा प्रयास किया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि अब बच्चों के लिए माता पिता की सेवा करना अनिवार्य होगा। माता पिता की शिकायत पर सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भी जाना पड़ सकता है। कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता को भी तैयार नहीं, राहुल गांधी एंटनी संभालेंगे जिम्मा। कांग्रेस पार्टी के संसद सत्र से पहले बुधवार यानी कि आज कोर कमेटी की एक अहम बैठक बुलाई है। पार्टी की अध्यक्षता पद से इस्तीफा देने पर अड़े राहुल गांधी इस बैठक का नेतृत्व करने से भी इनकार कर दिया। लिहाजा पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसमें लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद संगठन में कई बदलाव को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बैठक के एजेंडे में लोकसभा में कांग्रेस के नेता की नियुक्ति और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश का मामला भी शामिल है। बिहार के राज्यपाल का नीतीश सरकार को निर्देश, 136 बीएड कॉलेजों की मान्यता करे रद्द। बिहार के 136 बीएड कॉलेजों पर गाज गिरनी तय है। इस मामले में राजभवन में बड़ा रुख अख्तियार करते हुए प्रदेश सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने सरकार को इन सभी 136 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द करने को कहा। इसके साथ ही ये तय हो गया कि राज्य में एनसीटीई के मानक पर खरा नहीं उतरने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई होगी। आरजेडी विधायक के पुत्र की दबंगई आई सामने, खाना पसंद नहीं आया तो युवक को पीट पीट कर दिया अधमरा। बिहार के सासाराम के राजद विधायक डॉक्टर अशोक कुमार के पुत्र की दबंगई सामने आई है। आरोप है कि विधायक के आवासीय होटल में रजत केसरी नामक युवक की पिटाई हुई। घायल युवक को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए डिहरी के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक के माथे में गंभीर चोट आई है जिसका चिकित्सकों ने ऑपरेशन भी किया है। बिहार में इंसेफ्लाइटिस से अब तक 48 बच्चों की मौत, आज मुजफ्फरपुर पहुंचेगी जांच टीम। बिहार के एक्यूज इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES का कहर लगातार जारी है और इस बीमारी से होने वाली मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 10 और बच्चों के दम तोड़ दिया है तो वही 23 नए बच्चों को भर्ती कराया गया है। नए मंत्रियों पर पीएम मोदी की सख्त नजर, हर 3 महीने में लेंगे रिपोर्ट कार्ड। मंगलवार को दिन भर कृषि मंत्रालय के अधिकारी अपने विभाग के मंत्रियों को प्रेजेंटेशन देते रहे कि खेती किसानों को कैसे आसान बनाया जाए, किसानों की आय कैसे बढ़ेगी। अन्य मंत्रालयों में भी इसी तरह की माथा पच्ची चलती रही। टारगेट तय करके उस पर काम करने का रोड मैप बनता रहा। वजह यह है कि सरकार अलग स्टाइल में चल रही है जिसमें मंत्रियों को रिजल्ट देना है वरना उनकी छुट्टी भी हो सकती है। नई मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद की पहली बैठक आज तय होगा अगले 5 साल का रोड मैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ पहली बार बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के सामने अपनी सरकार का रोड मैप रखेंगे। इसके अलावा इस बैठक में अगले 5 साल में सरकार के कामकाज को लेकर योजनाओं पर भी चर्चा होगी। मधेपुरा में राजद नेता की गोली मारकर की गई हत्या। बता दें कि मधेपुरा में बीती रात एक पूर्व मुखिया और राजद नेता के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अनिल यादव की हत्या के बाद गांव और परिवार में मातम छाया हुआ है। घटना पुरैनी थाना क्षेत्र के नरदहा पंचायत की है। बताया जा रहा है कि राजद नेता और वर्तमान मुखिया पति अनिल यादव की बीती रात अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पुलिस के वरीय अधिकारी पहुंच चुके हैं। बिहार से बाहर बीजेपी से दोस्ती नहीं करेगा जेडीयू। 4 राज्यों में नए दोस्तों की तलाश। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू नए दोस्तों की तलाश कर रहा है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी का फैसला किया है। पहले संभावना जाहिर की जा रही थी कि जेडीयू इन राज्यों में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगा, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने मंगलवार को बताया कि जेडीयू इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों से तालमेल की संभावनाओं की तलाश करेगा। नीरव मोदी की जमानत पर आज लंदन कोर्ट सुनाएगा फैसला। भगोड़े हीरा कारोबार
कुमारी नीरव मोदी की चौथी जमानत याचिका की सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई लंदन हाई कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट अपना निर्णय आज सुनाएगी। पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाला भगोड़ा नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद है। उसने चौथी बार जमानत की अर्जी दाखिल की है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। बाईस वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।